पार्टी बैन कर यार, पार्टी बैन कर देंगे कर दें, मसला पार्टी बैन करने का नहीं है। वो तो नजर आ रही है ना चीजें कि इतने बंदे इमरान खान को छोड़ गए सारा कुछ। आज खान साहब ने कहा है कि उन लोगों को उनकी वीडियोस दिखाई जा रही है जो छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा। उनके उनसे पूछा गया खान साहब से कि क्यों आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा पांच वजूहत हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। पहला उन्होंने कहा कि उनको कहा जा रहा है कि उनकी कोई वीडियो स्टूडियो दिखाई जा रही है, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को उठाया गया और दबाव है उनके ऊपर, इसलिए वो कह रहे हैं कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। कमरा अदालत में खान साहब मीडिया से बात करते रहे, लेकिन मैं तो उस वक्त साइड पे था क्योंकि वो काफी वहाँ पे रश था, तो वो कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि कर लें सब अपना जोर लगा लें और फिर मैं अवामी जलसों का और अवामी कॉल दूंगा। अभी वो कहते हैं कि कोई कॉल भी नहीं दे रहा क्योंकि सूरत हाल इस तरह की है कि अभी कॉल नहीं देनी चाहिए। आखिर रास्ता निकल रहा है वैसे? नहीं अभी तक नहीं, अभी तक चीज़ें बहुत ख़राब हैं और मजीद ख़राब होंगी। इमरान रियाज के बारे में कोई मालूम? इमरान भाई के बारे में कोई खबर नहीं है और चीज़ें बहुत परेशानी वाली हैं इमरान भाई के बारे से। अच्छा, समी साहब तो आ गए हैं? हाँ समी साहब आ गए हैं। कोई क्लू नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई इमरान भाई के वाले से कुछ नहीं। वो देखें ना आप, चीज़ें जिस तरह की खबरें आती हैं उनकी फैमिली परेशान है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो बस इतना ही होता है यार। आप देख लें, आप 20 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं उनको अगवा किए हुए, और सबसे ज़्यादा तो शर्मनाक सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की अदालतों की है कि वो जैसे चीफ जस्टिस लाहौर एक और बैठ के लेक्चर दे रहे हैं ऐसे जैसे वो तबलीगी जमात में कोई सरोजा लगाने आए हुए हैं या मदनी काफिले में आए हुए हैं, इस तरह बैठ के वो इस्लामी वो नसीहतें कर रहे हैं। जज जो है अब्दुल शकूर साहब उनके खिलाफ, ये पहले इस्लामाबाद कोर्ट के खिलाफ कंप्लेन चली है, उससे पहले आपने देखा थोड़ा साइड में, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, लाहौर कोर्ट के जजेस के खिलाफ। मुझे इस बात की खुशी है कि अदालतें तेज़ी से बेबुकत हो रही हैं, जजेस के ऊपर तेज़ी से कंप्लेन बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। इनको और बेबुकत होना चाहिए इन अदालतों को, जो अपनी इज्जत के लिए नहीं खड़ी हो सकती, जो आम के लिए खड़ी हो सकती, इनको मजीद बेइज्जत होना चाहिए। और हालात जिस तरफ जा रहे हैं कोई बईद नहीं है कि आप देखें बहुत जल्द किसी दिन कोई साहिल खड़ा होके और अदालत के अंदर और किसी जज को गाली दे दे और किसी जज को जूता मार दे या किसी जज की अदालत में थूक के बाहर चला जाए, तो ये बहुत जल्द आप देखेंगे। जिस तेज़ी से अदालतें बेबुकत हो रही हैं ये अच्छी बात है, जो अदालतें आवाम के लिए नहीं खड़ी हो सकती उन अदालतों के साथ यही होना चाहिए। आखिरी सवाल, जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो उनके तो अपने दामाद अगवा हैं, उनको उस पर भी बात नहीं करते? नहीं नहीं, वो आ चुके हैं ना। अच्छा, वो आ चुके, बहुत अच्छा हो गया। बस बाकी उनके बेटे जो बाहर हैं और वो बस उनके दामाद आ गए, तो बाकी कोई है नहीं है, कोई मसला नहीं। सही है, बहुत शुक्रिया। शायद मामला ये तय हुआ कि अपने दामाद को छोड़ देते हैं लेकिन ज़्यादा बाकी अपने चालाकी नहीं करनी। इमरान रियाज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, इमरान भाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, फैमिली उनकी बहुत परेशान है। आप उनसे मिलने भी गए? जी जी। टॉर्चर उन पर हुआ? नहीं, उनको टॉर्चर नहीं किया गया, समी साहब को टॉर्चर नहीं किया। ठीक है, समी साहब। समी साहब की तबीयत बेहतर है, जाहिर है 6 दिन एक कमरे में बंद रहे, आंखों पे पट्टी बंधी रही, तो वो फिर तबीयत तो जाहिर है साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। नहीं नहीं, वो तो उनको पहले से डला हुआ है ना, तो गाड़ी की इशू तो उनको पहले से है, तो अभी जाहिर है 6 दिन आप एक कमरे में बंद रहते हैं, आपकी आंखों पर पट्टी है चीज़ें हैं, तो वो फिर तबीयत तो नासाज होती है। अभी कुछ कहने का बड़ा इस वक्त है, मसला पीडीआई का नहीं है, मसला यह है 70-80% लोग उनके साथ हैं, आवाम उनके साथ है, मुल्क नहीं चल रहा, मुआशी हालात आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, बेरोजगारी आपके सामने है, मुईशत की सूरत हाल आपके सामने है, मुस्तकबिल पाकिस्तान के लोगों को तारीख नजर आता है, लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लाखों करोड़ों छोड़ के जाना चाहते हैं, असल मसला तो लोग हैं। तो ये जो नहीं है या पार्टी की आवाज़ आ रही है बार बार, तो वो आगे उसका फ्यूचर कैसे नजर आ रहा है? 17 जुलाई से भी बुरा। सिद्दीक भाई आप खैरियत से हैं? सिद्दीक भाई बेचारा फेसबुक यूट्यूब उड़ा बैठा है, तो नहीं वो मेरी वजह से तो नहीं उड़ा, लेकिन आप दरवेश बंदे हैं, आपकी बददुआएं जरूर लगी होंगी। मैं कभी बददुआ किसी को नहीं देता, हमने दी है सर, हमारी लगी होंगी, हमने दी है। मैं देखें बात ये है, उन्होंने जो किया मैंने उसके ऊपर फैक्ट्स के साथ बात की है, और अभी मैं जरा समी साहब वाले मामले में बिजी था, अगली किस्त नहीं चलाने वाले। अच्छा, आप कैसे, आप खुद ठीक हैं सिद्दीक भाई? थोड़ा सा मैं टीजर यार, मैं वो बंदा हूँ जो ढूंढता फिर रहा होता कोई शिकार। ठीक है, आपकी वीडियो को और चर्चा सुन रहे हैं जो मैं जब को खुद से आके कह दे कि मैं हाजिर हूँ तो फिर ठीक है, तो घर तक छोड़ के आएंगे, घर तक छोड़ के। अच्छा, आप खुद कैसे हैं? आप ठीक हैं? काफी अरसे से आपके आपके लिए भी खबरें तशवीशनाक, एक मिनट सवाल करने दें, तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, आप खुद ठीक हैं? आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और बड़े से बात मुख्तसर वक्त की मुलाकात होगी। चले, बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई, अपना ख्याल रखिए। अभी मौसम खराब है ना, ऐसे मौसम में जरा बचना चाहिए। मार्शल लॉ के बारे में क्या समझे पाकिस्तान में इस वक्त? आपको लगता है कि हालात वही हैं? यार हालात सबके सामने जो सूरत हाल है,
और मुल्क किस तरह से नहीं चल सकता जो सूरत मुल्क आपको कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। आर्मी एक्ट के बारे में क्या कहेंगे, तलब करने की जो सिफारिशात है वो भी जारी है और कोशिश भी की जा रही है, फैसले भी किए गए हैं खान साहब को भी तलब करने के लिए। कल इसको चैलेंज करने जा रही है सलमान के मिजाज उनके वकील हैं जी इस्लामाबाद कोर्ट में और लाहौर कोर्ट में। रियाज साहब के बारे में नहीं कोई इन्फॉर्मेशन किसी भाई। इमरान खान के अंदर देखा नहीं आपने, अदालत में चिल कर रहे हैं पीछे गाड़ी का देखे सदीप जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई सुहाने मौसम में। ऐसी कौन सी खूबी है जिसे देखकर पीडीएम के सपोर्टर खुश, नून लीग के सपोर्टर खुश होते हैं कि मरियम नवाज चारों सूबे की आवाज़? देखिए वो जाहिर है उनका राइट है, उनकी लीडर है, वो उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हालात मरियम नवाज साहबा की आपके सामने है। वो उस दिन वहाँ गई उसमें लिबर्टी में तो वहाँ रूसा खान की वीडियो क्लिप देख रहा था, वो कहती है कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे ना मरियम साहबा का ज्वाइन कर लिया सारे उधर जा रहे हैं तो शायद अहसन इकबाल साहब इधर आ गए। चले सदीक भाई बहुत शुक्रिया।